स्वतंत्र भारत की 69वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं। सन 1947 का दिन आजादी की लहर लेकर आई थी, जो लहर शहीदों के खून की धाराओं से निर्मित हुई थी। लाखों ने सर कटा लिया, खून बहा, आंसू बहे, लाखों विधवा हुई, पर माँ का दिल आज भी कहता है कि काश मेरा एक और बेटा होता तो उसे भी मातृभूमि के लिए बलिदान कर देती। कुछ हाथ से उसका फिसल गया, कुछ हाथ से उसका फिसल गया, वह पलक झपक कर निकल गया, फिर लाश बिछ गई लाखों की, सब पलक झपक कर बदल गया। जब रिश्ते लाख में बदल गए, जब रिश्ते राख में बदल गए, इंसानों का दिल दहल गया, मैं पूछ पूछ कर हार गया क्यों मेरा भारत बदल गया, मैं पूछ पूछ कर हार गया क्यों मेरा भारत बदल गया। भारत की आजादी, भारत की आजादी लाखों का स्वप्न था, करोड़ों की चाह थी तो अरबों का जुनून था, मगर दिल आज भी कहता है, मगर दिल आज भी कहता है कि हम जकड़े हुए हैं गुलामी में, जो धर्मों की है, संप्रदायों की है, जो हमें बांधे हुए है। इंसान तो क्या भगवान बन गए हैं, इंसानों ने सरहदें बनाई हैं, दिलों के कई भाग कर दिए हैं। मैं अपने देश को ऐसा देखना चाहता हूँ, मैं अपने देश को ऐसा देखना चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में भाईचारा हो। वो मंदिर से निकल आए, वो मस्जिद से निकल आए, मैं मंदिर से निकल आऊं, वो मस्जिद से निकल आए, मैं मंदिर से निकल आऊं, दिलों में प्रेम हो, हाथों में तिरंगा हो, हम एक दूसरे की जान हो और दिल में राष्ट्रगान हो, हम एक दूसरे की जान हो और दिल में राष्ट्रगान हो। किसी भी चीज का दिवस, किसी भी चीज का दिवस या महोत्सव हम विश्व स्तर पर इसलिए मनाते हैं कि लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़े, लोग जाने कि उस दिन का खास महत्व क्या होता है। क्यों मनाते हैं आज हम विश्व स्तर पर कोई भी दिवस या महोत्सव? मनाने का यह भी मतलब होता है कि वो चीज हमारे समाज में पिछड़ी हुई है या लोगों को उसके बारे में पता नहीं, लोगों में उसकी चेतना विकसित करने के लिए ही आज यह दिन या महोत्सव मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राष्ट्र का स्वरूप 3 चीजों से निर्मित होता है, और वो है भूमि, जन और संस्कृति। जब तक जन भूमि से अपने माता और पुत्र के संबंध को नहीं पहचानता, तब तक यह दिवस अधूरा है, इस दिवस को मनाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। हो अंधेरा घना चाहे कितना मगर, हो अंधेरा घना चाहे कितना मगर, सूर्य उगते ही वह तो चला जाएगा, नौजवानों उठो क्रांति की ज्वाला ले, तुम जो बदलो जमाना बदल जाएगा, तुम जो बदलो जमाना बदल जाएगा। देश की एकता, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के एकीकरण के लिए जुटना तो हम सभी का कर्तव्य है, और यदि इसमें युवाओं की भागीदारी में इजाफा होता है तो भारत शीर्ष में विश्व का अधिकारी होने की कुव्वत रखता है, और यही हमारी एकता होने की ताकत है, वरना हमारी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी कि आज है। प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज उसके अंतरतम की भावनाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतीक होता है। हम भारतवासियों का एक ऐसा ही प्रतीक है हमारा प्यारा तिरंगा, जिसके सम्मान को हमें सदैव बनाए रखना है। हम अपने तिरंगे का सम्मान तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका अपमान भी करते हैं। कहीं खरीद कर फेंक दिया जाता है तो कहीं जला दिया जाता है। मेरा यह तिरंगा रोता है, ये मुझसे कहता है कि मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी किया तूने भरपूर दंगों में। कहीं है गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहे वो अक्षरधाम के आंसू, ये आंसू की इबादत को मेरे आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिपकर कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर से कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। आज हमें आवश्यकता है कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, या आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं, और हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म। अब मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपकी आवश्यकता भारत को हो, तो आप सभी अपना बलिदान भारत माँ को देने के लिए तैयार रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और अंत में मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ, हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, वो मुसलमान तो दो आजान, जो गूंजे आसमान, वतन फरस्ती का मिजान होना चाहिए,
सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह से राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, और जब बात आए देश की आन पान शान की तो दिल में बस प्यारा हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में बस प्यारा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।